हेलो फ्रेंड्स, संगीता फ्लेवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के मोदक। वैसे तो मोदक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन भगवान गणेश को बेसन के लड्डू ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए बेसन के मोदक बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दी है मैंने। अब हम एक बाउल प्योर देसी घी लेंगे। अभी हम इसमें आधा बाउल घी डालेंगे, बाकी का जब हमें जरूरत पड़ेगी तो बाद में डाल लेंगे। अब हम इसमें एक बाउल बेसन डालेंगे। और हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर हमें लगेगा कि घी कम है तो हम इसमें बीच में घी और डाल लेंगे। गैस को स्लो मीडियम रखेंगे। अभी थोड़ा घी कम लग रहा है तो मैं इसमें घी थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसको लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए, हमारा बेसन भुन चुका है। मोदक बनाने के लिए ये परफेक्ट कलर है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस बेसन को 1.5 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस बेसन को भूनने में लगभग मुझे 1/2 घंटे का टाइम लगा है। हमारा बेसन भूनने के बाद ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 3/4 बाउल बूरा डालेंगे। आप चाहें तो पिसी चीनी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके मोदक बना लेते हैं। थोड़ा सा लेंगे और हथेली पे रख के मोदक की शेप देंगे। आप चाहें तो मोदक का सांचा भी मिलता है मार्केट में, आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे हाथ से ही बनाने पड़ेंगे। आप इस तरह बनाकर एक टूथपिक की मदद से इस पे ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए, हमारा मोदक तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। मैंने इन मोदकों को पिस्ते और केसर के धागों से गार्निश किया है। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें, या तो ना करें। लीजिए, तैयार है हमारे बेसन के मोदक। गणेश चतुर्थी पर आप इसको बनाएं और भगवान गणपति को इसका भोग लगाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपति पप्पा मोरिया। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।